हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं remotask.com को। remotask.com इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, किस तरह से पेमेंट मिलेगा एंड ये आपके काम करने के लिए बेहतर है या नहीं है और कितना क्या डिफिकल्टी है, कैसे आपको करना चाहिए, सारी टिप्स और जरूरी एडवाइस इस वीडियो में मिल जाएगी। रिव्यू पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, राइट। एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो, इस वीडियो के जरिए देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल को ऑन कर लेना, पहले वीडियोस देख लेना, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 50+ वेबसाइट्स हम रिव्यू कर चुके हैं और उनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो तो आपको काम आएंगी। सो जरूर देख लेना, उसके बाद आप लोग जुड़ सकते हो उस चैनल से, राइट। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि इस वेबसाइट का नाम है remotasks.com और इसको एक्चुअली यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मेक मनी डूइंग टास्क। अब टास्क करने हैं तो टास्क तो बहुत सारे हो सकते हैं, किस किस टाइप के करने हैं, क्या करना होगा, आप में से कौन से लोग कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो रिव्यू करूंगा आप समझ जाओगे कि इस वेबसाइट पर कैसे काम करना है, कैसे पेमेंट लेना है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या ध्यान रखना है, हर टिप्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो स्टार्टिंग विद द साइन अप प्रोसेस, जो कि मैं सबसे पहले तो इस बात का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा क्योंकि इस वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर आपको टास्क दिए जाएंगे, अलग अलग टाइप के टास्क होंगे और अच्छे लेवल के टास्क हैं। ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, लेजिट है, ओके। तो ऐसा नहीं है छोटे मोटे टास्क हैं, पर हाँ मीडियोकर लेवल के टास्क हैं जो आप कर सकते हो थोड़ा सा समझ कर और कमा सकते हो। सो साइनअप प्रोसेस बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, थोड़ा अलग है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप साइनअप के बटन पर क्लिक करते हो, जो कि आपको सामने ही दिखाई दे रहा है जब आप वेबसाइट पर पहुँच जाते हो तब, तो जब आप साइनअप करोगे इस बटन पर क्लिक करके, तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फेसबुक से लॉग इन करने का, ओके। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है वो मोबाइल नंबर से, ईमेल से होता है साइनअप, फेसबुक से लेने वाली वेबसाइट्स कम है, लेकिन यहाँ पर आप बिना फेसबुक के साइनअप नहीं कर पाओगे। अब फेसबुक अकाउंट होना चाहिए आपका, अगर आप ऐसे हो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा आज के टाइम में कि जिसका फेसबुक अकाउंट ना हो, तो फेसबुक से लॉगिन करना पड़ेगा, इसका घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फेसबुक लॉगिन के लिए इस साइनअप के बटन पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्री कर लेना आप इसको, और साइनअप के बटन पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी आपका फेसबुक से लॉगिन करने का इस तरह से आ जाएगा विंडो, और उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका लॉगिन होगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। सो बेसिकली फेसबुक से लॉगिन करना है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और आप जब अपना लॉगिन करते हो फेसबुक से, उसके बाद मतलब फेसबुक से साइन अप करते हो, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी ये पूछते हैं और उसको वेरीफाई करना होता है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करना और अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद ओटीपी आता है आपके मोबाइल पर, उसको डालकर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए आपको फेसबुक से साइन अप करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है, तो एग्री वाले इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके आगे फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लेना। घबराने वाली बात नहीं है, सेफ है साइट। और वैसे भी मैं आप लोगों से एक सलाह हमेशा देता हूँ, हमेशा इस बात को सजेस्ट करता हूँ कि अपना एक अलग से फेसबुक अकाउंट बनाकर रखिए, अलग से जीमेल अकाउंट बनाकर रखिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप मेन अपनी प्रोफाइल की जगह एक अलग से प्रोफाइल और अलग से आपके ईमेल्स वगैरह इस्तेमाल करें, सो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये अपनी तरफ से मैं एक टिप दे रहा हूँ, तो कहीं भी बेफिक्र होकर आप और अच्छे से कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत डर रहता है, वैसे कोई बात नहीं है, तो ये आप कर लेना। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, साइन अप करना है फेसबुक से, उसके बाद ईमेल सॉरी मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी आएगा और आप ओटीपी डाल के रजिस्टर कर सकते हो। तो ये तो स्टार्टिंग प्रोसेस हो गई। अब मेन बात कर लेते हैं इसके काम की, तो काम कैसा है थोड़ा समझना पड़ेगा और क्या एडवाइस कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो अब माइक्रो टास्क सॉरी टास्क की बात की गई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टास्क ही देख लेते हैं, किस तरह के टास्क आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप अंदर पहुँच जाते हो तो आपको टास्क किस तरह के रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है टास्क को देखने के बाद जब मैं बताऊं, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पर ये खुद से ट्रेनिंग देते हैं, मतलब इसको ट्रेनिंग कर सकते हो आप, उसकी मैं बाद में करूंगा, पहले यहाँ टास्क देख लो। तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का काम आप कर सकते हो।
ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जब आपको ऑडियो सुनाई देगा, एक फाइल दे दी जाएगी और उसको आपको सुनकर यहाँ पर टाइप करना होगा जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा ये हो गया, ये देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, ये जितनी भी कार हैं इमेजेस में, इनके आसपास बॉक्स बनाने हैं। अब जैसे ये आपने देखा, यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिए, मतलब यहाँ पर बॉक्स बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा काम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कैटेगरी बनाना। कैटेगरी मतलब कि आपको दे दिया जाएगा कि बीट स्टूडियो क्या है, यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो उसको आपको बताना है कि ये मान लो इमेज दे दी गई कोई, मान लो आपको कोई भी इमेज दे दी कोई, किसी कंप्यूटर की दे दी या किसी क्लोथ की दे दी, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन दे दिए, स्मार्टफोन की तस्वीर दे दी, या फिर एनीथिंग। सो आपको कैटेगराइज करना है, मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको किस कैटेगरी में डालना है। चार ऑप्शन रहेंगे और आपको बताना है जो चीज दिखाई दे रही है वो क्या है, मतलब या किस कैटेगरी में जानी चाहिए, ठीक है ना। हर चीज की कैटेगरी होती है, और ये वाला सबसे ज्यादा करते हैं लोग, ये जो जो इमेज में कार वगैरह दिखाई देती है उनको बॉक्स बनाकर ऐसे ग्रीन करना है। ये देख रहे हो आपके सामने, आपको यहां पर सारा टूल मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने माउस या फिर अपने लैपटॉप पर जब आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर पर कर रहे हो, तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक ये काम है। इसके बाद कैटेगरीज की मैं बात करूं, जैसे कि कैटेगरीज को भी देख लो जरा एक बार, कैटेगरी का क्या मतलब होता है। जैसे कि मैं नीचे भी दिखा देता हूं आपको एक तरह से, एक सेकंड, ये देखिए यहां पर, इससे और अच्छे समझ में आएगा आपको। इमेज एनोटेशन का काम है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको कार को कैसे सेलेक्ट करना है, बॉक्स बनाना है, ग्रीन कलर का बॉक्स बन जाएगा, इस तरह का काम है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मान लीजिए एक कोट दिख रहा है, तो कोट यहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे क्या है, यहाँ पर ब्लू है, कॉटन है, कोट, मतलब क्या है। आपको इस तरह से जो इमेज में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद OCR इमेज ट्रांसक्रिप्शन का काम है, मतलब कि आपको जो टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसक्राइब इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम एन इमेज, तो जो इमेज में से जो भी खास चीज है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको मतलब कन्वर्ट करना एक तरह से और उसको लिखना, तो ये चीज़ है यहाँ पर OCR। और उसके बाद कंपैरिजन है, मतलब दो इमेजेस दे दी जाएंगी, दो फोटो दे दिए जाएंगे, उसमें क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप का छोटे छोटे टास्क हैं, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का काम हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा टफ लगे, बट ये भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब आपको जैसे मैंने बता दिया कि आवाज़ सुनाई देगी और उसको टेक्स्ट में बदलना है, तो टेक्स्ट से इमेज में, इमेज से टेक्स्ट में, या फिर इमेज से जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको लिखना है, इस तरह से काम रहेंगे। और डेटा कलेक्शन का भी काम है, कुछ और टास्क भी हो सकते हैं, पर जनरली जो टास्क मिलते हैं वो ये वाले ही ज़्यादा होते हैं, ये कार को सेलेक्ट करना, ये कैटेगराइज करना, ट्रांसक्रिप्शन का, तो ये ज़्यादातर आपको देखने मिलते हैं यहाँ पर। तो काम आप देख रहे हो कि ऐसा बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी स्किल चाहिए इसके लिए, तो लेकिन फिर चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ, आप अपनी आपको ध्यान रखना है कि आप हर काम को यहाँ पर करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, तो उसको कर लेना है और उससे आप कमा सकते हो, क्योंकि उसमें आप अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से परफॉर्म करोगे यहाँ पर। कई लोग गलती करते हैं, हम सब कुछ करेंगे, फिर उसकी वजह से क्या, क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाते, तो उनकी जो अर्निंग है वो गिरती है, आपकी रैंकिंग या आपकी जो कहना चाहिए इनके नज़र में क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, और आपको टास्क अच्छे नहीं मिलते हैं, एक तरह से कमाने के मौके भी कम हो जाते हैं। तो आप जिसमें अच्छे से कर सकते हो, जैसे ये वाला काम थोड़ा आसान पड़ता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो एक काम को जिसको अच्छे से कर सको उसको पकड़ लो और उस पर ज़्यादा ध्यान देते रहो, तो ये लोग भी आपको काम देते रहते हैं, टास्क आते रहते हैं, और आपकी अर्निंग होती रहती है, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपको काम दिया जाता है। डेफिनेटली दुनिया में यही है, अगर आप वैल्यूएबल हो किसी के लिए तो आपको पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, अदरवाइज कोई आप पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। ये बात क्लियर है, तो समझ में आ गई। जो एक एडवाइस मेरी, ध्यान रखिएगा जिस काम को आप ढंग से कर सको उस पर आप ध्यान दो। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इनका एक प्रोसेस है कि जब आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो, तो उसके बाद आपको ये एक तरह की इनकी यूनिवर्सिटी कह सकते हो, या इनके ही ट्रेनिंग दिया जाता है हर चीज़ को लेकर, जो भी यहाँ पर टास्क हैं उसको लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का या ट्रेनिंग लेने का आपको मौका मिलता है इनका। इसी वेबसाइट पर इस चीज़ की व्यवस्था है आप लोगों के लिए, तो आप लोग आराम से पहले प्रैक्टिस कर लो, सीख लो, समझ लो,
काम को, है ना, जितना आपके ऊपर है कि आप जितना सीखना चाहते हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक बार समझ में आ जाए आपको तो फटाफट अपना टेस्ट देना। टेस्ट यहां पर देना पड़ता है, टेस्ट का मतलब कुछ नहीं है कि जैसे कि आपको इमेज का काम करना है तो एक छोटा सा ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी जो कि आप खुद से ले सकते हो, उसको पढ़ना है, देखना है, समझना है, और फिर कुछ 4-5 क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछे जाते हैं उसी चीज से रिलेटेड वो आपको आंसर करने हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो ट्रेनिंग में दिखाई दे रहा है, जो जो काम आपको समझाया जा रहा है, वो आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं और पास हो ही जाते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो समझ में आ रही है बात, ऐसा टेस्ट के नाम से घबराना नहीं है। और सबसे अच्छी एडवाइस दूंगा कि जितना आप जितने टास्क में अपने आप को ट्राई कर सकते हो और इनके टेस्ट एक तरह से पढ़कर देखकर ट्रेनिंग लेकर इसी पर और यहाँ पर टेस्ट पास कर लो, उतना ही आपके लिए फायदा है। क्योंकि आप जितने टेस्ट पास कर लोगे, जितनी कैटेगरीज के, जितने टास्क के, उतनी ही काम मिलने की पॉसिबिलिटी आपको बढ़ जाती है और इससे आपकी अर्निंग बढ़ती है, जो हम लोगों ने पर्सनल ऑब्जर्व किया है यहाँ पर। तो ये मेरी एक पर्सनल टिप है इस वेबसाइट पर काम करने की कि आप जितनी कैटेगरीज में अपने आप को टेस्ट कर सकते हो पहले टेस्ट कर लो, और अगर क्लियर कर जाते हो तो आपको भी पता चलेगा कि ये काम मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और जिन जिन में आपको लगता है कि हाँ मैं पास कर गया और आगे काम उसमें करना मिल आपको मिलने लगता है और आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडवाइस है, टिप है इसके लिए, एंड बस यही लिखा हुआ है। लर्न करेंगे इसको, आप सर्टिफाइड हो जाएंगे एक तरह से जब आप पास कर लेते हैं उसको, और फिर बस आपको टास्क मिलेंगे उसको करते जाइए और जो भी अर्निंग होगी वो आपको मिलती जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कुछ एफएक्यूज बता देता हूँ जो खास चीज़ है, बाकी इसमें एफएक्यूज में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, जो मैंने है वो सब बता ही दिया है आपको। पेमेंट को लेकर लोगों के माइंड में रहता है तो पेमेंट आपको पेपल से मिलेगा, ठीक है। पेपल के बारे में नहीं जानते हो तो पेपल पर अकाउंट बनाने का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आराम से देख लेना आप लोग। इस वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप बना लेना उस पर अकाउंट, और फ्री बनता है और दुनिया के किसी भी कोने से आप पेमेंट ले सकते हो सिर्फ एक ईमेल एड्रेस डालकर, सीधे आपके बैंक अकाउंट में भी आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो पेपल पर कैसे अकाउंट बनाना है फ्री, वो इस वीडियो के एंड में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आप पेमेंट ले सकते हो जो कि इस वेबसाइट से लेना है। बस यही इस पर खास चीज है, और बाकी चीज मैंने आपको बता दी, आप एफएक्यू जाकर पढ़ लेना। वैसे मैंने जो जरूरी चीजें हैं वो सब बता दी हैं आपको, एंड आप स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग। और एक आखिरी कमेंट जो हमेशा कहता हूँ, कई लोग पूछते हैं काम होता है क्या, यस बिल्कुल काम होता है इस वेबसाइट पर, और टास्क कई लोगों को मुश्किल लग सकते हैं। अब ये काम डिपेंड करता है कि आप कौन हो क्या हो, वैसे मैंने काम बता दिया है, ऐसा कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है ट्रांसक्रिप्शन का या इमेज सेलेक्ट करने का, बट अब ये कितना सरल लगता है आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम थोड़ा लगता है टास्क में, पेमेंट भी मिलता है और जेन्युइन वेबसाइट है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से काम करो, ट्रेनिंग लो जैसा मैंने कहा है, और जो मैंने टिप दिए हैं उसको ध्यान रखो, और पेपल में इसका पेमेंट आप आसानी से ले सकते हो। तो बात समझ में आ गई होगी, काम करना शुरू कर सकते हो, फ्री की वेबसाइट है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। सो स्टार्ट करो, लाइक शेयर करो इस वीडियो को आप लोग सभी, एंड आपको एक डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से डैशबोर्ड रहता है, टास्क लॉग में जाकर, ट्रेनिंग सेंटर में जाकर आप देख सकते हो। ये रह गया था, मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ आपको। इस तरह से दिखती है आपकी कमाई, कितना काम कर लिया है, कितने टास्क कर लिए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में से ट्रेनिंग ले सकते हो, टास्क में से टास्क देखेंगे और उन टास्क को आप कर सकते हो, ठीक है। ये रह गया था, सो आई थॉट कि इसको भी बता दूं। बस अब आप लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जरूर, एंड आगे भी वीडियोज देखने हैं आपको, तो ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर ऑन कर दें। थैंक यू, टेक केयर।